लोगों के दिमाग में जैसे ही केमिकल शब्द लोग सुनते हैं वो डर जाते हैं कि ये केमिकल है और ये नेचुरल है तो नेचुरल यूज़ करना चाहिए पर लोग भूल जाते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी वही केमिकल्स है जो हम अपने एक्टिव्स और सीरम्स में डालते हैं हर नेचुरल अच्छा नहीं होता है और हर केमिकल बुरा नहीं होता है Correct. केमिकल आ, उसकी कॉम्पोजिशन की वजह से उसको बोला गया या उसका जो एक्टिव फॉर्म है उसके लिए उसको केमिकल बोला गया बट जिस कंसर्न के लिए वो यूज़ कर रहा है अगेन आई एम रिपीटिंग कि राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी एंड राइट वे ऑफ यूजिंग इट एंड इफ इट इज़ रोज यूज़ करना है या ऑल्टरनेट यूज़ करना है अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो कोई भी चीज़ आपको स्किन को नुकसान नहीं दिलाएगी वो उसी तरीके से अगर नेचुरल uh, है बहुत सारे जैसे uh, कभी कभी बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल सुन के uh, प्लांट से सीधा तोड़ के <laughs> फेस पे लगाते हैं और, और रहा वो रहा प्लांट uh, बाहर बालकनी में या घर के बाहर धूल मिट्टी में पड़ा रहता है uh, वॉश नहीं हो होता है वो मिट्टी भी साथ में फेस पे लगती है फिर रिएक्शन होता है तो उनको लगता है कि क्यों हुआ या मे बी कोई ऐसी आ, मेडिकल रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं साथ में एलोवेरा लगा रहे हैं और वो सोचेंगे कि ट्रीटमेंट की वजह से मुझे रिएक्शन हुआ फिर से ये रिकमेंड करूँगी कि हमेशा अपने एक्सपर्ट के पास जाए और आपका स्किन एक्सपर्ट आपका डर्माटोलोजिस्ट है वो आपको समझ सकता है आपकी स्किन के लिए राइट ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकता है और उसके सुपरविजन में कुछ भी यूज़ करें जो आपको अच्छा बेनिफिट और आपकी स्किन को हेल्दी कर सकते करेक्ट क्योंकि आई फील लाइक अगर हम कोई भी दवाई बिना डॉक्टर को पूछे नहीं खाते hmm. तो हम स्किन के साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं या कम्प्लीटली अग्री